हवेली था। उस हवेली के बारे में कहानियां गांव के लोगों के बीच फैली हुई थीं। कहा जाता था कि उस हवेली में भूतों का वास है। लोग रात को उस हवेली के पास से गुजरते समय भी तेजी से चलते थे। लेकिन ये सब कहानियां थीं या असलियत में कुछ था, ये किसी को भी पता नहीं था। एक दिन एक युवक नामक राज ने अपने दोस्तों के साथ वहां घूमने का निर्णय किया। उनके दोस्तों ने पहले तो इनकार किया, लेकिन राज के जिद्दी होने पर उन्होंने मान लिया। हवेली में पहुंचकर उन्होंने देखा कि हवेली की हालत बहुत ही खराब थी। वहां की छत टूटी हुई थी, दीवारें गिरी हुई थीं और काले काले साए हर जगह थे। लेकिन राज को ये सब चीजें खौफनाक नहीं लगी। राज और उसके दोस्त वहां के हर कोने को जांचने लगे। वे खोजते रहे, लेकिन कोई भूत या असलियत में भूतिया हवेली नहीं मिला। बिना डर के राज ने अपने दोस्तों से कहा, देखो ये सब कहानियां ही होती हैं। कोई भूतिया नहीं है। तभी एक आवाज आई, कौन है? राज और उसके दोस्त अचंभित हो गए। वे घबराकर एक दौड़ में भाग गए। आवाज वहीं से आ रही थी, हवेली के अंदर से। दौड़ते हुए वे एक कमरे में पहुंचे और दरवाजा बंद किया। वे बाहर की ओर देखने लगे, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने विचार किया कि क्या वह आवाज सिर्फ उनकी भ्रम है। फिर से वे बाहर निकले और हवेली का विचार करने लगे। एक अजीब सी महक महसूस होने लगी और एक अजीब सी ऊंची आवाज आई, तुम्हें यहाँ से निकलने की इजाजत नहीं है। राज और उसके दोस्त भयभीत हो गए। उन्होंने फिर से दौड़ा, लेकिन रास्ता बंद हो गया। उनके आसपास अंधेरा छाया हुआ था और उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। एक दरवाजे के पास खड़े होकर राज ने कहा, कृपया हमें छोड़। राज की आवाज थम गई और उनके दोस्तों ने भी उस दरवाजे की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया। थोड़ी देर बाद राज ने फिर से उसी आवाज को सुना, तुम्हें यहां से निकलने की इजाजत नहीं है। दरवाजे के पीछे कुछ छिपा होने की संभावना से राज और उसके दोस्त डर के मारे बोले, कौन है? उनका सवाल अंधेरे की गहराई में गुम हो गया। कुछ समय बाद वहां से फिर से वही आवाज आई, मैं हूं। राज ने अपनी धड़कन को संभालते हुए कहा, हम कौन हैं और आप कौन हैं? और फिर एक गहरी आवाज आई, मैं यहां के सबसे पुराने निवासी हूं। मेरा नाम विक्रम है। राज और उसके दोस्तों ने अचंभा महसूस किया, क्योंकि यह जवाब उन्हें संभालने में मुश्किल दिख रहा था। लेकिन फिर भी राज ने कहा, हम केवल घूमने आए हैं, हमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। विक्रम की आवाज थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान दें, यहां बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। राज और उसके दोस्तों ने अब और ज्यादा डरने लगे थे और उन्हें लगा कि यहाँ से जल्दी निकलने की जरूरत है। वे जल्दी से हवेली से बाहर निकले और गांव की ओर अपने पथ बनाने लगे। बाहर आकर राज ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है वहाँ कुछ असली है, हमें कभी फिर से वहाँ जाने का सोचना भी नहीं चाहिए। उन्होंने तब से कभी भी वहाँ नहीं जाया, लेकिन उनके द्वारा सुनी गई वह भयंकर भूतिया वास्तुग्रह की कहानी कभी भूली नहीं गई।